हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैन। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है टेबल फैन पे, और एपी का जो टेबल फैन है तो उसको आज मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। और इसमें जो है कि इसमें न्यू कोयल आपको इंस्टॉल करना है, तो आज न्यू कोयल इंस्टॉल करने के बारे में बताएंगे। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैन। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है टेबल फैन पे, और ये एपी का टेबल फैन है, और एक छोटा सा टेबल फैन को आज मैं इसका जो कोयल चेंज करने के बारे में बताऊंगा, कोयल रिपेयर करने के बारे में नहीं। चलिए यहाँ से लगभग आप कितना तक तो खुल ही लिए होंगे और छिड़कानी भी कर चुके होंगे, और आपका जो है कोयल पूरे तरीके से ख़राब हो गया या जल चुका है, तो इस कोयल को आज कैसे लगाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से सारी चीज़ को निकाल लेते हैं और इजीली थोड़े भी ठोक ठाक आपको करना होगा मारतुल से, तो इसको ठोक ठाक कर मैंने इजीली निकाल लिया हूँ, आप भी इसको खोल लिए होंगे। इतना करने के बाद इस कोयल को कैसे खोलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इस शाफ्ट को, शाफ्ट रोटर तो घूमने वाला पार्ट है ये, तो इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं इस कोयल को खोलना है, इस कोयल को कैसे खोलेंगे इसी के बारे में आज मैं बात करेंगे। तो चलिए इस कोयल को खोलने के लिए कुछ इस तरीके से हाइट में रख लेना है, और एक शाफ्ट लेना है जो कोयल में रोटर में लगा हुआ है, या कुछ छड़, तो जिससे कि ये लेके और यहाँ पे इजीली ठोकेंगे तो आपका जो है कोयल पीछे की ओर जाएगी और आपका जो कोयल इजीली निकल जाएगी, कुछ इस तरीके से सेम इस तरह होना चाहिए। अगर उल्टा तरीके से आप ठोकेंगे तो आपका जो कोयल निकलने में दिक्कत हो, तो इस तरीके से पंखा का सेप जो है होना चाहिए, और ठोकेंगे तो इजीली आपका जो है पंखा निकल जाएगा, मतलब पंखा का कोयल जो है निकल जाएगा। कोयल निकलने के बाद कोयल कैसे लगाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो कोयल भी लगाना बहुत ही आसान है, और फिटिंग करना भी, लेकिन फिटिंग करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको सेटिंग करने में, मुझे भी टाइम लग जाता है कभी कभी फिटिंग करने में इस पंखा में मात्र। तो इस पंखा में कुछ कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है अगर कुछ चीज़ को ध्यान ना रखें तो, अगर कुछ चीज़ को ध्यान आप रखेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से इस पंखा को भी बना सकते हैं। तो सबका वीडियो भी मैं आपको बना कर दिखाऊँगा रिपेयरिंग में, तो यहाँ पर उतना इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिर्फ कोयल चेंज करने के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर कोयल को पहले इजीली चेक कर लेते हैं, जो भी ग्राउंड पॉइंट हो, तो यहाँ पे मेरा ग्राउंड पॉइंट है रेड वाला और दो है कॉमन, तो यहाँ पे दो है स्पीड कंट्रोल, मतलब लेफ्ट राइट जो स्पीड होगा, तो यहाँ पे कैपेसिटर का दो पॉइंट है और एक पॉइंट है ग्राउंड या कॉमन बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर कॉमन और रेड हम लोग कोयल को चेक कर लिए हैं, और यहाँ से इस कोयल को इसमें लगाएंगे। तो कॉमन और किसी में चार तार हो, किसी में तीन तार हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन तीन तार हो तो इजीली आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तीन तार का मैं कनेक्शन आपको बता देता हूँ, चार तार के कनेक्शन के बारे में एक ही वीडियो में अलग से बना दूँगा, ताकि आप पूरा तरीके से कन्फ्यूजन उसमें दूर हो जाए आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं तीन तार वाला, और बहुत ही ईजिली इसमें कनेक्शन आप कर पाएंगे, और इस कोयल को ईजिली इसी तरीके से यहाँ पर बैठा लेंगे। आपको हो सकता कुछ मिस्टेक, तो हो सकता कोयल आप उल्टा, कोयल का जो वायर है पीछे की ओर रहना चाहिए, मैंने यहाँ पे आगे की ओर लगा दिया हूँ मिस्टेक वायर, तो मैं इसको सीधा कर लूँगा, तो कुछ मतलब कुछ इसी तरीके से आपका जो कोयल है बैठेगी। तो कुछ इसी तरीके से आपको इसके कोयल को बैठा लेना है, बहुत ही आसान है। और कोयल जब इसमें पूरा पूरी एडजस्ट हो जाए तो इसमें शाफ्ट और जो भी है सारा चीज़ लगा के इसको चला के देखेंगे। इसलिए हमारा जो कोयल है बैठ चुका है, और मैंने चेंज भी कर लिया हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मोबिल लगा लेंगे। मोबिल आपका न्यू होना चाहिए, पुराना मोबिल इसमें उपयोग ना करें, बहुत ही ख़राब हो जाती है आप पंखा का जो है, कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि नया का जो मोबिल, नया मोबिल है 10-30 मार्केट में आपको मिल जाएगा, पतला वाला पोच में आता है 10 रुपये के 20 रुपये के आसपास में पोच में मिल जाएगा, तो वो वाला मोबाइल आप यूज करें 10-30 का, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मेरा 10-40 या लगभग का अलग मोबाइल है, ये थोड़ा गाढ़ा वाला है, लेकिन पतला वाला मोबाइल इसमें आप उपयोग करेंगे जो बहुत ही पतला, आप गैरेज में जाएंगे तो आपको मोबाइल वो मिल जाएगा, और वो मोबाइल लास्टिंग इसमें ज़्यादा करती है, और स्पीड भी आपका पंखा का बहुत ही अच्छा मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे सारे कनेक्शन सारे फिटिंग आप यहाँ पर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और आपका जो इजीली यहाँ पे फिटिंग आप कर सकते हैं। कोई कोई पंखा में आपको परेशानी कर सकता है, जैसे कि इस पंखा में टेढ़ा वाका होने के कारण होता है, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट
कर लेंगे, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ज़्यादातर वैसा प्रॉब्लम होता नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। एडजस्ट करना होगा सारा नल्ट वोल्ट का लगा के, और थोड़ा बहुत टोकना होगा, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे दो नट को लगा के, पहले एक नट लगा लिया मैंने और एक नट लगा के इजीली एडजस्ट करने का कोशिश कर लेंगे। अगर हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो चारों नट को लगाएंगे, चारों स्क्रू को, उसके बाद एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे ठोक के, और फिर होना चाहिए। वाशर उसर देने के बाद कहीं जाम तो नहीं हो रहा, कहीं वाशर तो हमारा ज़्यादा नहीं लग गया साफ्ट में, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे फ्री हो जाएगा, उसके बाद चारों लगाएंगे। अगर फ्री नहीं होता उसके बाद चारों लगा के नट लगभग टाइट करके देखेंगे, फ्री करके हो जाता तो ठीक है। उसके बाद ही फ्री नहीं होता तो लगता है वाशर ज़्यादा चल गया या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभार होता है कि साफ्ट भी टेढ़ा हो जाने के कारण आपका जो है प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साफ्ट अगर सही से नहीं लगाओ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए अब चारों नट बोल्ट को लगा लेते हैं और इजीली इस पंखा को चला कर देखेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके एडजस्ट करना होगा, और बहुत ही आसानी तरीके से इसमें एडजस्ट आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बहुत ही आराम से लगभग ठोकना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा ठोक ठोक के थोड़ा थोड़ा करके, तो इजीली यहाँ पर एडजस्ट आप कर पाएंगे। और यहाँ पर लगभग हमारा जो है एडजस्ट हो चुका है, और ये थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, तो थोड़ा सा गैप रखेंगे पंखा को, और पंखा को घूमने के लिए तो बहुत ही आसानी तरीके से घूमेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर दो तार है, इस दो तार में जो है कॉमन तार के बाद ये दोनों में कैपेसिटर का पॉइंट को लगा देंगे, और एक जो है आपका कमेंट पॉइंट मिलेगा रेड होगा। तो लगभग कोई कोई कोयल में कन्फ्यूजन वाला तार आ जाए तो उसमें कैसे पता करें कौन सा मेरा कॉमन है, उसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा, उससे आप कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक कॉमन में लगा और एक कैपेसिटर में लगा। अगर आपका पंखा चलने लगा तो सही चल रहा है सीधा, तो उसी में कनेक्शन कर देंगे। अगर उल्टा चल रहा तो कैपेसिटर का कनेक्शन चेंज करेंगे, एक बार नीचे एक बार ऊपर, मतलब कैपेसिटर का दो तार है, कभी इसमें लगा सकते हैं कभी उसमें, जिसमें सही चल रहा है उसमें लगा के इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है पंखा सही चलने लगा है, और यहाँ पे सही हो चुका है। अब इसको यहाँ से तीन वायर जो हमारा पंखे के लिए आए थे, यहाँ से कॉमन जो भी है अपना मान के, और वायर का कनेक्शन नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाने के बाद वहाँ पर भी सेम ऐसे ही कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर टेप मार के इसमें कनेक्शन कर लेते हैं, वाइट को वाइट में दे दिया हूँ, और जो भी आपका कलर हो अपना हिसाब से कलर को ये करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ग्राउंड है ब्लू में दे दिया, और ब्लैक में ब्लैकनेस वाला जो है उसी को मैं इसमें लगा दिया हूँ। चलिए इसको भी टेपिंग कर लेते हैं, और टेपिंग करते हैं इसको भी। तो चलिए इसको टेपिंग कर लेते हैं, और बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ये नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, कभी कभी हो जाता है। लगभग पंखा में उतना मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी में प्रॉब्लम होने के कारण अगर कंफर्म नहीं पता है तो लगभग जितना मैं बताया इतना करेंगे तो आपका जो पंखा इजीली सॉल्व प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे नीचे का जो है कनेक्शन करेंगे, जहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पर कनेक्शन वहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। नीचे में भी आपको कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो जब भी कोयल चेंज करेंगे आपका कनेक्शन पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे खोल लेते हैं और यहाँ पे कनेक्शन को चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने खोल लिया हूँ, और यहाँ पे कनेक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो वायर है ब्लू आया है, ब्लैकनेस आया है, वाइट आया है, तो तीनों जो वायर आया है वो कहाँ पे लगी हुई है, उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। एक तो हमारा ये कोयल का बीच वाला कटा हुआ है स्पीड कंट्रोलर का, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, बाद में उसको कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे जो भी वायर आया है वो सबको देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। तो ब्लू वायर को मैंने साइड कर लिया, ब्लैक चल कैपेसिटर में जुड़ा हुआ है, चलिए वो तो ठीक है, एक और है जो कि अलग जगह जुड़ा हुआ है, तो इसको कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। तो ये है
यही होता है कि जो जहाँ जुड़ा है, जो मेरे को जहाँ जरूरत है उसको वहाँ छोड़ देंगे, और जो जरूरत नहीं है, जहाँ पे गलत जगह जुड़ा हुआ है, तो उसको सही जगह में कनेक्शन करेंगे। जैसे कि एक कैपेसिटर का वाइट वाला है तो कैपेसिटर में जोड़ लेंगे। तो चलिए कैपेसिटर में इसको जोड़ लेते हैं, इसको कैपेसिटर में जोड़ते हैं। उसके बाद जो ब्लू है ग्राउंड को, उसको डायरेक्ट लाइन में दे देंगे। और यहाँ पे कैपेसिटर में दोनों में किसी एक में लाइन देके देखेंगे, जिसमें सीधा घूमेगा उसमें हम करेक्शन कर देंगे। चलिए कॉमन को कॉमन में कनेक्शन करके यहाँ पे लाइन दे देते हैं। और ये हमारा हो चुका स्विच में एक पॉइंट में, जो पॉइंट में आपका मेन लाइन से कनेक्शन आ रहा होगा पहले से ही। आपका स्विच अलग हो तो सबका स्विच में अलग है, तो मेन लाइन में जाएगा कॉमन वाला डायरेक्ट वे, तो स्विच का कनेक्शन भी स्विच में जहाँ पे हो वहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने कनेक्शन को कर लिया हूँ, और यहाँ पे चला के देखेंगे। देखिए हमारा जो पंखा है सीधा घूमने लगा है। और अब यहाँ पे टेपिंग कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पे टेपिंग कर लेते, जो भी कनेक्शन हो सही तरीके से टेपिंग कर लेंगे। अब जो हमने टेपिंग भी कर लिया हूँ, और एक एक बच गया है बीच वाले, इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं। और ये जो है स्पीड आपका कंट्रोल करने में काम करेगा। लगभग कभी काल बीच से वायर कट जाए तो ऐसा ट्रैक लगा के आप अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ से ट्रैक जोड़ लेते हैं, और इसके बीच में कहीं पर भी इसको जोड़ देंगे। चलिए बीच में कहीं पर भी जोड़ दें, ऐसा जोड़े कि जो बॉडी में शॉर्ट ना हो, तार को सब सेफ्टी रखेंगे, तो बॉडी में शॉर्ट होने से आपका जो है पंखे में करंट आ सकती है। चलिए अब चला के देखते हैं। अब देखिए हमारा जो पंखा सही चल रही है, बट आपको पता ना चल रहा कैमरा में, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पंखा घूम रही है। और इसको आपको लगा के दिखाऊंगा इस पंखे को, उसके बाद चला के देखेंगे। चलिए इसको लगा लेते हैं, स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी है, ये स्क्रू हमारा टाइट हो रहा है और मैं इसको टाइट कर चुका हूँ। अब इसको चला के देखते हैं एक बार लास्ट ट्राई। बहुत ही कमाल का चलने लगा है और बहुत ही अच्छा लगा। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती हैं, तो इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय।